तीनों के लिए यूट्यूबर बोल रहे हैं। अभी जो नवादा की ओर सफ़र कर रहे हैं छोटू भाई से और इन भाईजान से मुलाकात हुआ। जी आपका क्या नाम है? संतोष कुमार सिंह। घर? लाइन पार मीडिया पर नवादा। जी बताइएगा कि आप टोटो कब चला रहे हैं? कैसे निकलिए, 2-4 महीना से टोटो चला रहे हैं। अच्छा अच्छा, और कोई सा रोजगार मैंने सोचा पकड़ लिया आपने? जी तो बताइए क्या आप निर्वाह, कितने बच्चों को निर्वाह कर रहे हैं, परिवार बताइए। हम लोग 5 परिवार पल रहे हैं, इससे कमा खा रहे हैं, अच्छा बात है जी। सब आने से बहुत सुविधा हो गया, हम लोग गरीब आदमी कमा रहे हैं इससे जी। बात रही, हर लोग ऐसा है कि रोजगार करना चाहते हैं कि हम लोग कमा खा सकें, इसके जरिए से हम लोग बहुत अच्छा से खा रहे हैं, कमा भी रहे हैं, रुपया की इनकम अच्छा हो रहा है। क्या बच्चों को अभी पढ़ा रहे हैं आप? जी हाँ, मेरा 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। जी 2 बच्चे पढ़ रहे हैं ना, बहुत अच्छा है कि आप पढ़ के बच्चों को क्या बनाना चाह रहे हैं? अच्छा है, जितना तक पढ़ जाएंगे, गरीब आदमी हम लोग हैं, अगर उसके हिसाब से तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। आप आशा है कि हिम्मत रखे हुए हैं, हिम्मत के साथ आप पूरी हिम्मत लगा दीजिए कि बालों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, पढ़ा करके अच्छा इंसान बनाना है। आप तो खुद मैंने तकलीफ है, लेकिन बच्चों को तकलीफ देना, बच्चों को तकलीफ नहीं देना चाह रहा, बच्चों को तकलीफ देना नहीं चाह रहे हैं। नहीं होना चाहिए, हम लोग को जितना पैसा उतना नहीं होना चाहिए बच्चों में। क्या माता पिता की सेवा करते हैं ना? जी हाँ, माँ मेरी तरफ ही खाती है। वाह वाह, बहुत बढ़िया है, आप माँ को सेवा कर रहे हैं जी। और माँ को कभी कष्ट नहीं दीजिए आप। नहीं, कष्ट नहीं होना चाहिए, ऊपर वाले बाकी हैं, पहला माँ है, उसके बाद पत्नी, फिर बच्चे हैं। पहले माँ को सेवा करिए, फिर पत्नी बच्चे को, सारे सेवा कर रहे हैं आप, भगवान उसी में जो है इनको सहयोग करते हैं, अच्छा मानते हैं। तो एक जोरदार से बोलिए कि हम में हिम्मत है, हम बच्चों को पढ़ाएंगे। हाँ जी, मेरे हिम्मत है कि हम पढ़ाने के लिए एकदम प्रयास कर रहे हैं, दिन रात मिले, इस गर्मी धूप में लगे हुए रहते हैं कमाने, मेहनत करते हैं, मेहनत करने के लिए लगे हुए रहते हैं। चलिए इनको विचार का लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय मास्टर छात्र।